एक दिन मैं कॉलेज के लिए लेट हो गया था, एग्जाम भी था उस दिन, मेरा साइकिल भी खराब था, इसीलिए मैं सोच में पड़ गया। एग्जाम के लिए एक घंटा बाकी था और रास्ता था बहुत दूर। फिर एक दो गाड़ी को लिफ्ट मांगा, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं दिया। हमारे यहाँ तो बस और ट्रेन भी नहीं आता। एक गाड़ी रुका मेरे सामने, लेकिन बोला 150 रुपया दे। मैंने बोला हट ससुर का नाती, तेरे गाड़ी में मुतू भी ना। मेरे पास 6 रुपए था, वो भी 2 रुपए कैंटीन से उठाया, तो मैं आ गया टेंशन में, पैदल ही जा रहा था। कुछ दूर गया और देखा प्रिंसिपल की बेटी खड़ी है, जो हमारी कॉलेज में एक सीनियर थी। उसके सामने एक लैम्बोर्गिनी कार भी खड़ी थी। मैं गया उसके पास और बोला, अरे दीदी मैं ना आज एग्जाम के लिए लेट हो गया, क्या आप मुझे अपनी कार दोगी? उसने बोली, क्या मेरी कार, चल हट बे। मैं तो उदास हो गया। फिर मुझे एक चीज याद आया और फिर से उसके पास गया और बोला, अरे दीदी एक चीज बहुत दिनों से पूछना चाहता था। पिछले शनिवार छुट्टी के बाद कॉलेज की लाइब्रेरी से अजीब अजीब आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई लड़की को मार रहा था जोरों से, और बीच में आपके आवाज से ओ यस कम ऑन जोर से ऐसा कोई बोल रही थी। समझ रहे हो आप? क्या क्या बात कर रहे हो, पागल हो क्या? चल हट जा यहाँ से। प्यारी समझ गई। ठीक है, मैं प्रिंसिपल से ही पूछ लूंगा। अरे अरे सुनो सुनो, मेरा कार लेके जाओ, नहीं तो एग्जाम के लिए लेट हो जाओगे। राजा जी। अरे थैंक यू दीदी। हाँ बट लाइब्रेरी वाली बात पापा को मत बोलना। अरे नहीं नहीं, आपने मेरी मदद की है, वो मैं बोल के क्या करूँगा, थोड़ी ना आप थे वहाँ पर। हाँ हाँ मैं नहीं थी। हाँ हाँ तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। ठीक है मैं जा रहा हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। बाय दीदी, अब बहुत अच्छी हो, लव यू। क्या क्या बोला? कुछ नहीं दीदी, गॉड ब्लेस यू। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हाँ ठीक है, जल्दी कार लौटा देना। हाँ हाँ। तो ऐसे करके मैं टाइम पे एग्जाम तो दे दिया, लेकिन वापिस आने समय जब दीदी के फ्लैट के सामने गया तो गुंडे मेरे पीछे पड़ गया था और आके मुझे मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब एक गान निकला, कार को प्रिंसिपल के घर के सामने ही रख के वहाँ से भाग लिया। वो लोग मुझे गोली मार रहे थे और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिर उनकी गोली जब खत्म हो जाती है, मैं रुक गया और दिया दोनों को एक एक पटाक से। पता नहीं मेरा इतना शक्ति कहाँ से आ गया, दोनों शायद टपक गया, लेकिन मैं श्योर नहीं था। अगले दिन फिर से मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ा और जाते जाते प्रिंसिपल की बेटी को फिर से देखा। उसने भी मुझे देखा और मेरे को बुलाई। मैंने सोचा कि दो गुंडे को मैंने ठोक दिया, वो उसे पता लग गई। और जब उसके सामने गया, मुझे पता लगा कि मैंने सही सोचा था, सच में दोनों टपक गया। उसने बोली, देखो मैं जानती हूँ तुम दो आदमी को टपका दिया, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और प्लीज तुम किसी को वो लाइब्रेरी वाली बात मत बताना। वो ठीक है दीदी, नहीं बताऊंगा, थैंक यू। लेकिन वैसे लाइब्रेरी में क्या चल रहा था? वो कुछ नहीं, तुम छोड़ो, जाओ जाओ अभी, जाओ जाओ अभी। अच्छा ठीक है नहीं, लेकिन मुझे ना बहुत भूख लगी है जोरों से। कुछ अगर सस्ता पिज्जा बर्गर हो जाए ना, और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक्स, मजा आ जाएगा। शाबाश बेटा। और मेरी बात दीदी फटाक से मान गई, तो हम दोनों चले गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। बहुत खाए और पिए भी, लेकिन ज्यादा ही हो गया था। दीदी तो पूरा टूल हो चुकी थी। उन्होंने बोला कि मुझे घर मत ले जाना, क्योंकि उसकी पिताजी को अगर पता लग गया तो उसे मार मार के हलवा बना देगा। इसीलिए मैंने उसको अपने रूम में ले गया। रात हो गया और जो होना नहीं था वो भी हम दोनों के बीच हो गया। अब क्या करे, हो गया तो हो गया। तो मैं दीदी को घर छोड़ने जा रहा था, बीच रास्ते में दीदी बोली, कल रात को जो हुआ है गलती से वो किसी को मत बताना, और लाइब्रेरी वाली बात भी। मैंने बोला हाँ हाँ मैं क्यों बोलूंगा। उस दिन के बाद एक महीना बीत गया। एक सुबह मुझे एक चौंकाने वाला खबर आया। क्या प्रिंसिपल की बेटी? कैसे? अच्छा मैं जा रहा हूँ, रुक। मैं घबरा गया क्योंकि प्रिंसिपल की बेटी को कोई किडनैप कर लिया था। मैंने सोचा चल छोड़ मुझे क्या, लेकिन मेरा दिल नहीं माना और मैं निकल गया पूरी बात जानने के लिए। अब पता नहीं बीच रास्ते पे दो आदमी आके मुझे उठा लिया और उठा के गाड़ी से कहीं ले जा रहा था। मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन उन्होंने एक ही चीज बोला, अबे चुप ताले। मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आया, उनमें से एक तोतला था। फिर वो लोग मुझे एक जगह आके से उतार दिया। मैं वहाँ एक आदमी को देखा, सामने जाकर देखा ये तो कॉलेज का इंग्लिश का प्रोफेसर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कुछ बोलने जाता उससे पहले ही वो बोलता है, तू राजू है ना? हाँ हाँ सर। मुझे तो जानता ही होगा, अब सुन मेरी बात। प्रिंसिपल की बेटी को मैंने ही किडनैप करके रखा। मेरी नजर तुम पे बहुत दिनों से था। मुझे पता है उस दिन रात को वो तेरे साथ ही थी। तुझे पता है उस दिन लाइब्रेरी में कौन था? मैं। उसे तो बाद में देखूंगा, फिलहाल तुझसे एक काम करवाना था, इसीलिए तू जिंदा है अभी। क्या काम? कौन सा काम? तुझे भेष बदल के एक जगह जाना होगा, एक अलग ही दुनिया में। वहाँ पर तुझे एक आदमी मिलेगा, वो जो बोलेगा तुझे वही करना होगा। बस तुझे अभी एक मंत्र बोलना होगा, आब्राकाडाब्रा मेरी गर्लफ्रेंड प्रियंका चोपड़ा। ये कैसा मंत्र है बे, आब्राकाडाब्रा मेरी गर्लफ्रेंड प्रियंका चोपड़ा?
और मैं वो लाइन बोलते ही आ गया इस दुनिया में, जहाँ पर मेरा वेशभूषा पूरा चेंज हो गया था। ना मेरे पास खाना था, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कोई काम था। अब एक ही रास्ता था, मुझे उस आदमी के पास जाना होगा जिसके बारे में वो प्रोफेसर बोल रहे थे, नहीं तो ना खा के ही मर जाऊंगा। लेकिन मेरे को तो बुड़बक आदमी का नाम और एड्रेस कुछ नहीं पता, ऐसे करके मैं फंस गया। काश मुन्ना होता मेरे साथ। राजू, अरे राजू कहाँ है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुआ। अबे हुतिया कहाँ है, मरवर तो नहीं गया? चल कॉल करता हूँ यार, 3 दिन हो गया इसका कोई अता पता नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहा है कमीना। तो दोस्तों आखिरकार राजू के साथ क्या होगा, कैसे बाहर आएगा उस दुनिया से, जानेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज करना है, इस वीडियो में 10 लाइक कंप्लीट करना होगा। बाकी बाय।